हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या और ये है फ्रेंड्स ब्यूटीफुल रंगून क्रीपर। ये डबल पेटल रंगून क्रीपर है जो कि मैं लेकर आई थी अपने विलेज से। तो इसकी शॉपिंग की वीडियो मैंने शेयर की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स मुझे मिले हैं, प्राइसिंग के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो ज़रूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं गई थी विलेज और इस बीच मैंने अपने गार्डन को अपने पड़ोसियों के हाथों सौंप दिया था। तो हमारे प्लांट्स को जिस तरह हम केयर करते हैं वो किसी और से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस पौधे को किस तरह की केयर या कितना पानी उसे चाहिए होता है। तो वैसे तो जो हमारे पड़ोसी है वो बहुत ही अच्छे हैं और वो भी गार्डनिंग करते हैं, यानी उन्हें भी शौक़ है पौधों का, हम साथ में ही जाते हैं। बट देखिए, मैंने उन्हें कहा था पानी डालने के लिए, उन्होंने डाला भी था, बट फिर भी ये जो मधुमालती का प्लांट है ये सूख चुका है। वैसे तो आशा है अभी भी ये ग्रो हो जाएगा, बट कुछ और प्लांट्स भी मेरे ख़राब हुए हैं, जैसे कि मेरा ज़ेब्रा प्लांट है जो कि मैं रिसेंटली मैंने परचेज किया था, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे दो तीन प्लांट्स मेरे ख़त्म हुए हैं, बट जो मेन जो लॉस मुझे हुआ है फ्रेंड्स वो है मेरे सक्यूलेंट्स और कैक्टस। तो ये जो मेरे सक्यूलेंट और कैक्टस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे। उसका भी एक वीडियो मैंने शेयर किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो तो वहाँ से सक्यूलेंट्स ऑर्डर कर सकते हो। तो वो जो सारे सक्यूलेंट्स हैं उनमें से कुछ सक्यूलेंट्स मेरे जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में, या कह सकते हो बच ही नहीं पाए हैं। तो कौन से प्लांट्स मर चुके हैं और मेरे कैक्टस किस तरह चल रहे हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ज़रूर फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा और आप भी ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस। आप भी जाते होंगे कहीं बाहर ऐसे अपने जो गार्डन को किसी और को सौंप के, और आपके प्लांट्स किस तरह चलते हैं, किस तरह की केयर आपके पड़ोसी करते हैं आपके प्लांट्स की, आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे सक्यूलेंट्स और कैक्टस का हाल। सो ये है फ्रेंड्स मेरा छोटा सा कैक्टस और सक्यूलेंट का कलेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ पहले वो प्लांट्स जो कि डेड हो चुके हैं और कुछ बुरी कंडीशन में है। तो सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स ये जेड प्लांट। तो आपको ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा कि ये जेड प्लांट है। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है, डेड हो चुका है। थोड़ी सी भी आशा बची नहीं है कि ये सर्वाइव कर पाएगा। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है सीडम की एक वैरायटी, और ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था और अभी आप देख सकते हो पूरी तरह से ये डेड हो चुका है। और इसी की तरह ये एक और सीडम का प्लांट था और आप देख सकते हो ये भी जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वैसे इसका जो स्टेम है अभी ग्रीन है, तो आशा है कि ये सर्वाइव कर पाएगा, बट जब इसके लीव्स ग्रो होंगे तभी पता चलेगा कि ये ग्रो करेगा या नहीं। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स देखिए ये प्लांट है, और इसमें दो प्लांट लगे थे। एक ये आप देख रहे हो, ये एक जो हैंगिंग बास्केट में सीडम प्लांट ग्रो करते हैं, ये एक वेरीगेटेड वेराइटी था और आप देख सकते हो पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है। और ये देखिए ये एक और प्लांट है, इसके पत्ते देखिए सारे गिर चुके हैं, बट अभी भी ये जो प्लांट है ग्रीन है। तो होप कर रही हूँ कि ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और ये एक और सीडम का प्लांट है, और ये देखिए फ्रेंड्स इसके सारे पत्ते गिर चुके हैं। ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था बट देखिए अभी इसकी कंडीशन, बट अभी भी होप है कि ये प्लांट सर्वाइव करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो एक छोटा सा एक न्यू ग्रोथ हो रहा है। आप देख सकते हो, शायद आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा न्यू ग्रोथ इसमें दिख रहा है, तो आई होप ये सर्वाइव कर जाएगा। और जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स वो है मेरा प्यारा सा क्रिसमस कैक्टस। आप देख सकते हो ये बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुका है, तो इसमें आई थिंक पानी दिया नहीं है ठीक से, इसीलिए देखिए इसमें पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुका है प्लांट। तो अभी मैं इसमें अच्छे से पानी मैंने देना शुरू कर दिया है, तो होप ये फिर से रिकवर हो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा फ्लैपजैक क्रेसुला का प्लांट है, और अभी आप देखिए ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये बहुत अच्छी कंडीशन में ग्रो हो रहा था, कई वीडियोस में मैंने शेयर भी किया था इस प्लांट को। और देखिए यहाँ पर उसका मेन स्टेम था और आप देखिए पूरी तरह से ये गल चुका है, और थोड़ी भी आशा नहीं बची है कि इस प्लांट को मैं ग्रो कर सकूँ, क्योंकि देखिए इसका पूरा जो मेन जहाँ से रूट ग्रो होती है वहीं पे देखिए रॉटिंग हो चुका है। बट फिर भी मैं इसकी कुछ स्टेम्स यानी लीफ को हाफ कट करके ट्राई करूँगी ग्रो करने का। होप ये इसके जो, वैसे तो कोई आशा नहीं है ग्रो होगा, बट फिर भी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ग्रो करूँगी, ट्राई करूँगी इसे ग्रो करने का। और ये जो एक नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक और प्लांट है, वैसे मुझे सक्यूलेंट्स के नाम नहीं पता है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये भी नीचे से पूरी तरह से रॉट हो चुका है,
बट पत्ते अभी ग्रीन है तो होप ये सर्वाइव कर जाएगा, यानी लीफ प्रोपोगेशन में करूँगी इसका। तो ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी चल रही थी, बट नीचे से ये पूरी तरह से रॉट हो चुका है। तो इसके भी कुछ चांसेस है लीफ प्रोपोगेशन से ये बच सकता है। और ये नेक्स्ट लक्ष्मी कमल का प्लांट है फ्रेंड्स। तो जब मैंने परचेज़ किया था तो दो बेबीज आई थी और आप देख सकते हो एक बेबी पूरी तरह से यानी हाफ रॉट हो चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बच पाएगा क्योंकि हाफ रॉट हो चुका है, बट फिर भी होप कर रही हूँ कि ये सर्वाइव कर जाए। और जो दूसरा बेबी है फ्रेंड्स वो हेल्दी है, तो खुशी है कि चलो एक बेबी तो बच चुका। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सक्कुलेंट्स जो कि अभी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। उनमें से ये पहला प्लांट है, देखिए ये सेम वेराइटी वाला प्लांट है और ये प्लांट देखिए अभी अच्छा ग्रो हो रहा है। वैसे तो इसमें भी रॉटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बट बाकी जो प्लांट है वो अभी अच्छा ग्रो हो रहा है। और जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स वो है मेरा पर्सनल फेवरेट। ये देखिए इसका नाम मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये काफ़ी पसंद आया था जब मैंने इसे परचेज़ किया था। बट लो लाइट की वजह से देखिए ये थोड़ा सा लेगी सा हो चुका है, बट अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। और ये जो एक नेक्स्ट प्लांट है इसे मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था और ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसका देखिए एक लीफ गिर चुका था तो वो भी प्रोपगेट हो चुका है। और ये जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स वो मर चुका है। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे कैक्टस के प्लांट्स दिखा दूँ। तो कैक्टस के जितने भी प्लांट्स हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कैक्टस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। तो सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स मेरा ये बनी ईयर कैक्टस, आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहा है। और इसमें देखिए न्यू बेबीज ग्रो हुई थी जब मैं जा रही थी तो बहुत ही छोटे थे, अब देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये एक आई थिंक एलोवेरा की वेराइटी है, ये भी देखिए उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में इसे मैं छोड़कर गई थी, ये भी सर्वाइव कर रहा है। और मेरे कुछ और कैक्टस का प्लांट है, जैसे कि ये हवर्तिया का प्लांट है, ये भी आई थिंक सक्यूलेंट ही है और ये भी देखिए बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये कैक्टस मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी बेबीज़ ग्रो हो चुके हैं। और ये एक और एलोवेरा की वेराइटी है फ्रेंड्स, और इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसमें भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुके हैं, नए लीव्स आना स्टार्ट हो चुका है। और ये है फ्रेंड्स एक और हवर्तिया की वेराइटी, देखिए ये भी अभी उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में मैं छोड़ के गई थी, और इसमें भी न्यू ग्रोथ मुझे दिख रहा है, यानी नए पत्ते इसमें भी मुझे दिख रहे हैं, तो ये भी अच्छी कंडीशन में है अभी फ़िलहाल। और ये कुछ और कैक्टस है फ्रेंड्स जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, इसका परचेसिंग वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था और इसकी प्राइसिंग भी मैंने बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो और परचेज़ कर सकते हो वहाँ से। तो जितने भी मैंने कैक्टस रिसेंटली परचेज़ किए थे वो सारे अच्छे चल रहे हैं, आप देख सकते हो कुछ में तो न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ वैसे के वैसे ही है, जैसे कि ये प्लांट बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। और ये भी देखिए ये भी अच्छी कंडीशन में है अभी। और ये है फ्रेंड्स मेरा मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट, और आप देख सकते हो ये प्लांट कितना लेगी हो चुका है, तो प्रॉपर लाइट ना मिलने की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो लेगी हो जाते हैं सक्यूलेंस। तो ये देखिए ये लेगी हो चुका है, तो मैं इसे सोच रही हूँ कि इसकी प्रूनिंग कर दूँ ताकि ये और अच्छे से ग्रोथ कर सके, और इसको प्रॉपर लाइट दूँगी। और कुछ और मेरे कैक्टस है फ्रेंड्स देखिए जो कि मैंने पॉट में लगाए हैं, तो मुझे पॉट्स जो नहीं मिले थे तो मैंने इस मटके को ही पॉट बना दिया था, और इसमें देखिए इस सारे कैक्टस को मैंने लगाया है, तो अभी ये सारे कैक्टस भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे कैक्टस है फ्रेंड्स वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ में तो न्यू बेबीज़ भी ग्रो हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारा प्लांट अच्छी कंडीशन में होता है और उनमें नई ग्रोथ होती है। तो जिस तरह हम अपनी प्लांट की केयर करते हैं उसी तरह की केयर अगर इसको मिलती रहे तो प्लांट अच्छी कंडीशन में ग्रो होता है। तो कैक्टस को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है इस बीच, तो लकीली मेरे सारे कैक्टस सर्वाइव कर चुके हैं। और देखिए ये प्यारा सा एक कैक्टस जो कि मुझे काफ़ी पसंद था अभी भी है, तो इसमें देखिए काफ़ी सारे बेबीज़ ग्रो हो चुकी है, देखिए यहाँ पर चार बेबीज़ है और इस तरफ एक और बेबी है। तो जब मैं इस प्लांट को मैंने परचेज़ किया था तब इसमें कोई भी बेबीज़ नहीं थी, और अभी देखिए इसमें ब्यूटीफुल बेबीज़ ग्रो हो चुकी है। तो
तो बस ये सारे बेबीज़ अच्छे से ग्रो हो जाए। और इसका जब बेबीज़ ग्रो हो जाती है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। तो जल्दी ही इनके सारे बेबीज़ अच्छे से ग्रो हो जाए ताकि एक ब्यूटीफुल लुक मिल सके इस पॉट को। और जो मेरा नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए ये एक और कैक्टस है और इसमें भी देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, यानी ग्रोथ तो स्टार्ट हुई थी, बेबीज़ देखिए काफ़ी बड़े हो चुके हैं अभी। और इस पॉट में मैंने एलोवेरा लगाया था फ्रेंड्स, और एलोवेरा इसमें ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसमें इस कैक्टस को लगाया था, बट आई थिंक इसमें कुछ एलोवेरा के बेबीज़ यानी पप्स बच चुके थे। तो देखिए उसके पप्स ग्रो हो चुके हैं। तो एलोवेरा को भी ग्रो करना बहुत ही इजी है, आपको इसे सैंडी सॉइल में लगाना है बस, और भूल जाइए एलोवेरा अपने आप ही बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और कैक्टस का प्लांट है जो कि मैंने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था, और इसमें भी देखिए दो बेबीज़ ग्रो हो चुकी है। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेरे कैक्टस और सक्यूलेंट्स का हाल। तो कैक्टस अभी अच्छे ग्रो हो रहे हैं और कुछ सक्यूलेंट्स ने तो मुझे बाय कह दिया है। तो फ्रेंड्स, आपके प्लांट्स भी किस तरह ग्रो होते हैं जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आपके नेबर्स या आप किसी शॉप कर जाते हो, आपके प्लांट की केयर किस तरह करते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है, आपके कुछ प्लांट्स डेड हुए हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं रिलेट किया होगा आपसे। तो अगर कहीं ना कहीं रिलेट किया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।